चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल और आज हम पढ़ने वाले हैं और कंटिन्यू करेंगे अपनी हार्मोन्स को सीरीज से। ये पार्ट 3 है एंड आज हम कुछ और हार्मोन्स समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसमें से सबसे पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो कि नाम से पता चल रहा है, इट कंट्रीब्यूट्स टू अवर ग्रोथ। ये जो हार्मोन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिमुलेट अवर ग्रोथ, हमारे सेल रिप्रोडक्शन के लिए एंड सेल रिपेयर के लिए। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि सेल की रोज़ रिपेयरमेंट होती है, ये रोज़ टूटते हैं, रोज़ बनते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सेल ग्रोथ, उनकी रिप्रोडक्शन के लिए एंड फॉर देयर रिपेयरमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज HGH, दैट इज़ अ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एंड इसका जो प्रोडक्शन है थ्रू आउट लाइफ टाइम होता है, मतलब लाइफ टाइम इंक्रीज होता रहता है, बट ये इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। एंड मैक्सिमम ये कब इंक्रीज होता है, प्यूबर्टी में, व्हेन गर्ल्स एंड बॉयज अटेन्स देयर टीनेज और प्यूबर्टी अटेन करते हैं, तब आपने देखा होगा एक सडन हाइट इंक्रीज होती है इन बॉयज़ और इन गर्ल्स, मसल ग्रोथ होती है, सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, दे इट प्रमोट्स द बोन ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग, बोन की ग्रोथ के लिए और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ग्रोथ हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस ग्रोथ हार्मोन आल्सो रेगुलेट्स अवर इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी कैसे फंक्शन करती है, स्ट्रॉन्ग रहती है, वो ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करते हैं। इट रिजुविनेट्स द टिश्यू एंड ऑर्गन्स, जो हमारे ऑर्गन्स एंड टिश्यू हैं उसमें जो भी वियर एंड टीयर होता रहता है उसकी उसके लिए हमें ग्रोथ हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कोलाजन प्रोडक्शन, कोलाजन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। कोलाजन क्या, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आर बॉडी टू बूस्ट द स्किन एंड हेयर हेल्थ। आपने देखा होगा जिन लोगों में मेल न्यूट्रिशन होती है, ग्रोथ हार्मोन ढंग से प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उनकी स्किन भी बड़ी ब्रिटल होती है, टेक्स्चर बहुत अच्छा नहीं होता स्किन का, और इवन हेयर फॉल और एलोपेशिया जैसी, एलोपेशिया मीन्स हेयर फॉल, और हेयर का टेक्स्चर भी अच्छा नहीं होता है। सो ग्रोथ हार्मोन इज़ वेरी वाइटल फॉर आवर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर होल बॉडी। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल रिप्रोडक्शन, सेल रिपेयर, हमारे टिश्यूज ऑर्गन्स में जो सेल रिपेयरमेंट चलता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है एंड कोलेजन प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट इज द ग्रेलिन। नाउ ग्रेलिन क्या करता है, इट इज़ बेसिकली अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन, मतलब ये जो है मेनली स्टमक में सिक्रीट होता है और ये हमारा एपिटाइट रेगुलेट करता है कि हमें भूख कब लगनी चाहिए, क्यों लगनी चाहिए एंड कब तक लगनी चाहिए। तो जब ग्रेलिन रिलीज होता है हमारा एपिटाइट जो है इंक्रीज होता है एंड वंस ये फुल हो जाता है हमारा पेट, ये सिग्नल करता है इसकी प्रोडक्शन स्लो हो जाए। एंड जब ये प्रोडक्ट जब ग्रेलिन की प्रोडक्शन स्लो होती है तब एक नेक्स्ट हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं लेप्टिन, जो क्या करता है, इट मोटिवेट्स अ पर्सन टू स्टॉप ईटिंग। एक्चुअली जब पेट फुल हो जाता है तो इट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस द लेप्टिन। तो ग्रेलिन एंड लेप्टिन जो है ऑपोजिट में काम करते हैं। ग्रेलिन का काम है इंक्रीज करना और फूड, हमें भूख लगे फूड हम खाएं, हमारे एपेटाइट इंक्रीज करता है। लेप्टिन क्या करता है, हमें सेटाइटी फीलिंग कराता है, फुलनेस की फीलिंग कराता है, जिसकी वजह से हम ईटिंग स्टॉप करते हैं। नाउ ग्रेलिन इज़ टिपिकली रेगुलेटेड बाय द बॉडीज सर्कैडियन या सर्कैडियन रिदम। ये क्या होता है सर्कैडियन रिदम, ये हमारा डेली रूटीन की स्लीप मतलब साइकिल होती है, हमारी स्लीप अवेक की साइकिल, हमारे खाने की साइकिल, के हमारे नॉर्मल रूटीन क्या है, नॉर्मल रूटीन के हिसाब से ये हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है। जैसे जब हम उठते हैं तब धीरे धीरे प्रोड्यूस होने लग जाता है, और देखोगे कि आप जब हम उठते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें भूख लगने लग जाती है। सिमिलरली कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि इसके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एक है द टाइम ऑफ द लास्ट मील, अगर आप शाम को बहुत जल्दी खा लेते हैं तो आप देखोगे सुबह उठते ही आपको उठोगे तो उसके बाद भूख लगने लग जाती है, आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं इसकी प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करती हैं। क्योंकि ये जब हम जल्दी खा लेते हैं शाम को खाना, या फिर ब्लड शुगर लेवल लो होता है, तो ग्रेलिन रिलीज होता है ताकि हमें भूख लगे और हम
खाए। बट कभी कभी क्या होता है, हमारी पुअर स्लीप के कारण या स्ट्रेस के कारण हमारी जो है एपेटाइट डिसरेगुलेट हो जाती है, भूख नहीं लगती। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना हुआ होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, भूख नहीं लग रही है, मैं रात को सोया नहीं हूँ, सोई नहीं तो इसलिए भूख नहीं लग रही है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझे भूख नहीं लगती स्ट्रेस में। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से भी ग्लैंड रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा एपेटाइट भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज लेप्टिन। लेप्टिन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि लेप्टिन क्या करता है। बेसिकली इट इज़ रिलीज फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू, जो क्या है, फैट टिश्यू होते हैं, एंड विच वर्क इन कंसर्ट विद द ग्रिलेलिन। मैंने अभी बताया लेप्टिन और ग्रिलेलिन जो है इनका जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऑपोजिट में काम करते हैं। वैन ग्रिलेलिन इज रिलीज हंगर इंक्रीजेज, वैन लेप्टिन इज रिलीज फूड कंज्यूम्ड टू सिग्नल फुलनेस एंड डिस्करेज द एडिशनल इंटेक। जैसे कि मैंने बताया था कि लेप्टिन जो है हमें फुलनेस की फीलिंग कराता है कि भाई पेट भर गया, अब खाना बंद करो। सो द बॉडी बिकम, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों में लेप्टिन रिसेप्टर डिफिशेंसी होती है। लेप्टिन रिसेप्टर डिफिशेंसी का मतलब है कि स्ट्रेस के कारण या कुछ और फिजिकल फैक्टर्स के कारण हमारी जो बॉडी है वो लेप्टिन के रेजिस्टेंट हो जाती है, विच इंक्रीज द रिस्क फॉर द ओबेसिटी। कैसे, लेप्टिन अगर बॉडी हमारी सेंस नहीं कर पाएगी, रिसेप्टर्स फील नहीं कर पाएंगे, तो उनको फुलनेस की फीलिंग आती नहीं है और वो क्या करते हैं, वो खाते ही रहते हैं, विच प्रमोट्स दी ओबेसिटी। एंड ये किस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में देखा गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट ट्रिगर द नियर कॉन्स्टेंट हंगर, मतलब हमें कॉन्स्टेंटली भूख लगती रहती है, जैसे कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी में अक्सर होता है, और वो लोग खाते रहते हैं, विच रिजल्ट इन टू द ओबेसिटी एंड अनकंट्रोल्ड वेट गेन लाइक दैट। नेक्स्ट इज इंसुलिन। नाउ इंसुलिन इज एन, आपने इसका नाम सुना ही होगा, जो कि डायबिटीज़ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा लिया जाता है। ये एक ऐसा हार्मोन है विच इज़ रिलीज बाय द पैंक्रियाज एंड विच रेगुलेट्स आवर मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड शुगर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्लड शुगर कितना रहना चाहिए, 85 to 110, तो इस नॉर्मल ब्लड शुगर को ये मेंटेन रखता है। नाउ इंसुलिन इज़ रिलीज एज बॉडी ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। इंसुलिन का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना। सिंपल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज, ताकि हमारी बॉडी उसको यूज़ कर पाए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, वो हमारे लिवर में जाके स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो लोग इंसुलिन की प्रोडक्शन कम कर पाते हैं, मतलब जिनका पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोडक्शन कम कर पाता है किसी भी वजह से, कि पैंक्रियाज के सेल ख़राब हो गए हैं या कुछ इंजरी हो गई है या डायबिटीज़ डिजीज़ है, तो उन लोगों को क्या होता है, ये जो ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पाता फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि उसको एनर्जी और वो, जिसकी वजह से शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, एंड विच ऑफन रिजल्ट इन टू द ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, जेनेटिक्स एंड कैन डेवलप डायबिटीज, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज द मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या है, मेलाटोनिन इज अ हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय द ब्रेन्स पीनियल ग्लैंड एंड इट रेगुलेट्स द बॉडी स्लीप एंड वेक साइकिल। ये जो मेलाटोनिन है ये क्या करता है, हमारी स्लीप और वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन अगर जो है हमारी स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एंड दैट्स वाई इट पीक्स इन द इवनिंग जब हमको सोना होता है, एंड इट राइजेस इन द इवनिंग एंड द नाइट जब हमको सोना होता है, टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ स्लीपीनेस बिफोर द बेड टाइम, एंड इट डिप्स टू द लोवेस्ट लेवल इन द मॉर्निंग, जब हमें उठना होता है तब ये डिप करता है। तो नाइट में इंक्रीज होता है एंड मॉर्निंग में ये डिक्रीज होता है। सो मेलाटोनिन साइकिल जो, इट इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय अवर 24 साइकिल ऑफ द डे एंड नाइट। हम कब उठते हैं कब सोते हैं ये इंडिविजुअलिस्टिक भी होता है, अकॉर्डिंग टू देयर डेली रूटीन ये सीक्रेट भी होता है, बट नेचुरल जो प्रोसेस है वो यही है डे एंड नाइट का। बट जो नाइट शिफ्ट करते हैं तो उनमें ये साइकिल डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग अकोमोडेट करने की कोशिश करती है। एंड ये जो चीज़ें हैं क्रोनिकली एक इंडिविजुअल को हैबिचुअल बना देती है, और
उसकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। इट कैन ऑल्सो भी इफेक्टेड बाई फूड, फिजिकल एक्टिविटी, जेनेटिक्स एंड ट्रैवल। ना हम जैसे बहुत ज़्यादा खाना खा के सो जाते हैं तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारी मेलाटोनिन साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है इससे। सिमिलरली जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा जिमिंग कर लेते हैं या रनिंग कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव वर्क कर लेते हैं, तो भी ये स्लीप साइकिल जो है फिर से रेगुलेट हो जाती है और हमको स्लीप जो है, हमने देखो हम दिन में भी सो जाते हैं जब ज़्यादा थके होते हैं, कभी भी सो जाते हैं, तो उससे भी मेलाटोनिन साइकिल रीरेगुलेट होती है। एंड कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। वाइल दिस बॉडी, हमारी बॉडी जो मेलाटोनिन साइकिल को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट इज द ट्रैवल। देखो ट्रैवलिंग में भी जब हम बहुत ट्रैवल करके आते हैं तो भी हम बड़े टायर्ड से थके हुए फील करते हैं, कुछ लैग तो ट्रैवलिंग में ही सो जाते हैं। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मेलाटोनिन बीइंग सीक्रेट इन आवर बॉडी। फ्रेंड्स, दिस वॉज अबाउट दी सम अदर मेजर हॉर्मोन्स। आई होप आपको इस हॉर्मोन्स के बारे में समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए। एंड अगर आप कोई टॉपिक से वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। आई विल लव टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट। थैंक यू।